राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शंकर एजुकेशन पॉइंट की चौथी मंजिल गिर गई। बताया जा रहा था कि उस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त क्लास के अंदर 25 से 30 बच्चे मौजूद थे। वहीं इस दर्दनाक हादसे में करीब 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन मेरे को अभी पता चला कि एक बिल्डिंग गिर गई है, इसमें बच्चे पढ़ते थे। ये कोचिंग सेंटर था, काफ़ी बढ़िया कोचिंग सेंटर चलता था वैसे तो, लेकिन जो इतने बिल्डिंग तीसरी मंजिल जो बनाई है वो बड़ा गलत डेंजर था, क्योंकि वो पास नहीं था नक्शा। इससे बड़ा इसके मतलब समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ, छोटे छोटे बच्चे दबे हैं, तो खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और प्रशासन भी दोषी है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई, कोई पुलिस के DCP साहब भी अभी बड़े लेट आए हैं। या तो सबसे पहले यहाँ के लोगों ने एक काम किया है, आप देख रहे हैं, अपने खुद देख रहे हैं, लोग ही अपने राहत कार्य का बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रशासन ने कोई बचाव कार्य नहीं किया है। क्या जानकारी मिल पाई है, कितने बच्चे इसके अंदर दबे हैं? अभी बता रहे 15-20 बच्चे थे, जिनको 14 को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, कुछ जगपुर हॉस्पिटल गए, कुछ जीरो हॉस्पिटल गए हैं। मैं समझता हूँ भगवान से प्रार्थना करते हैं सारे बच्चे सुरक्षित रहे। यहाँ पर ये बता दीजिए बस, वो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, छत वत गिरवा रहे थे मकान ऊपर, मतलब प्लेन पूरी करा दी थी इन्होंने, और यहीं थी मैं भी। जैसे हम एकदम जैसे गिरने की आवाज़ हुई कुछ, हम नीचे से दौड़ के आए, इतने में ही इतने तो देखा कि जो सारा ये इसमें पत्थर पड़ा हुआ तो पूरा नीचे चला गया है। उसमें बच्चे बच्चे भी निकले हैं, और मिस्त्री भी है, बेलदार भी है, कुछ सर भी हैं यहाँ के, उनके भाई हैं, पता नहीं। ट्यूशन सेंटर चलाते हैं यहाँ पर? हाँ, ट्यूशन चलाते हैं। कितने बच्चे रहे होंगे यहाँ पर? सर मैं तो 3 साल हुए, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैक्सिमम 15 से 20 आई थिंक, जो मेरा मानना है इतने ही रहे होंगे। 15 से 20 होंगे। हाँ, मतलब ट्यूशन सेंटर।